अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, परख करता है, इम्तिहान लेता है, तरह तरह की नेमतों से उसे मालामाल करता है, कारोबार वसी हो जाता है, उसके लिए दौलत के अंबार लग जाते हैं, दुनियावी मालो असबाब उसके लिए जमा हो जाता है, मनसब मिलता है, ओहदा मिलता है, इक्तदार मिलता है, शान व शौकत मिलती है, लोगों के दिलों में उसका घर बनता है, तो उसके जहन में ये बात आती है कि मेरे रब ने मुझे जो इज़्ज़त दी है मैं इसका इस्तेहकाक रखता था, और मैं अगर इस लायक ना होता तो मुझे क्यों नवाजा जाता, तो गोया मेरा रब मेरे ऊपर राज़ी है। और फिर जब महफिल नात में मेहमान खसूसी भी बन गए तो फिर तो उनके नफ्स को और तस्कीन मिल गई, जब पीर साहब ने भी उनको ही अहमियत दी तो फिर उन्हें लगा कि वाकया ही हमारा रब हम पे राज़ी ही है, तभी तो हमें मजहबी तबकों के अंदर भी अहमियत मिल रही है। हालांकि वो जानते हैं कि हमने ये दौलत कैसे हासिल की है, वो जानते हैं कि हमें सजदे की तौफीक नसीब नहीं है, वो जानते हैं कि आज इस महफल में मेहमान खसूसी से तो कल हम शराब खाने में थे, उन्हें पता है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, सोचते नहीं हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि हमें ये जो इज्जत मिल रही है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी किसी कबूलियत की वजह से ये इज्जत है, हालांकि ये उनकी आजमाइश थी, उनका इम्तिहान था। दूसरी बात, व अम्मा इज़ा मबतला हो, और जब अल्लाह उसको आजमाता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और उसके रिज़्क को तंग करता है, उसको आजमाइश की भट्टी में डालता है, फ़यकूल रब्बी अहानन, तो फिर वो चीख उठता है, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया। बीमारी आ जाए, इब्तला में मुबतला हो, तो वो कहता है कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया, तो ये इंसान की कज फिक्री, ऐसा नहीं है। किसी शख्स को दौलत का दिया जाना ये अल्लाह की रज़ा की दलील नहीं है, और किसी शख्स को गुरबत के इम्तिहान में डाला जाना ये अल्लाह की नाराज़गी की दलील नहीं है। हज़रत इमाम राज़ी ने लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफ़ात सिर्फ भूख की वजह से हुई, तकलीफ़ों में, आजमाइशों में, इम्तिहानों में, इब्तलाओं में उसके बंदे रहे हैं। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत के घर में कभी बराबर चूल्हा नहीं जलता था, कभी खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं होता था, पानी पी के और खजूर खा के गुजारा होता था, तो ये तो कोई दलील नहीं है। अल्लाह की रज़ा की दलील क्या है? नेकी की तौफीक मिल जाना। और अल्लाह की नाराज़गी की दलील क्या है? किसी शख्स का गुनाह पे दलेर हो जाना। कोई बंदा गुनाह पे दलेर है और मासियत, नाफरमानियाँ, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना उसका मिजाज है, तो समझो अल्लाह उससे नाराज़ है। और अगर किसी को अल्लाह ने सजदे की तौफीक दी है, किसी को अल्लाह में अपने रास्ते में खुलूस के साथ खर्च करने की तौफीकात अता की हैं, हलाल हराम की तमीज़ उसको अता कर दी गई है, तो फिर समझ लो कि अल्लाह उस पर राज़ी है। बाकी रही बात कि किसी को दौलत का ज़्यादा दिया जाना, किसी को कम दिया जाना, तो ये आजमाइश है। अब जो अहले ईमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, वो क्या करते हैं? जब दौलत ज़्यादा मिलती है, इक्तदार मिलता है, मनसब मिलता है, तो बस अल्लाह के शुक्र के दायरे में आ जाते हैं, और जब मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, अजियतों में मुबतला होते हैं, तो फिर वो ये नहीं कहते कि हमारे रब ने हमें जलील कर दिया, बल्कि वो उस पर सब्र करते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं कि मालिक तूने जो जिस आजमाइश में डाला हमें पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमा, हमारी इस फेद पोशी का भरम ना टूटे, और हमें उस मुश्किल वक्त से बचाना कि जब हमारी ये गुरबत हमें कुफर तक ले जाए, और जब उनको दौलतमंदी दी जाती है तो वो डरते हैं कि अल्लाह ऐसा ना हो कि ये दौलत हमें फ़िरौन बना दे, ये दौलत हमें नमरूद बना दे, हमारे अंदर बुख़ल पैदा हो, तकब्बुर पैदा हो, हमारे अंदर गुरूर पैदा हो, तो वो इस हालत के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र या दूसरी हालत में अल्लाह के हुजूर सब्र की तौफीक मांगते हैं और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।